3, 2, 1। इतना प्रेशर था और तुम इतना छुपे छुपाए शटर बंद करके डिलीवरी ले रहे हो सब्सक्राइबर को बिना बोल के। तो चलो एकदम लास्ट में। ओ भाई साहब फाइनली आ गया गाइस। यहाँ पे होगा पार्किंग अपना एकदम मस्त। मेनी कांग्रेचुलेशन। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लास्ट डे आप लोगों ने देखा था हमने अपना न्यू सुपर बाइक बुक कर दिया था जॉय भैया के पास। आप लोग सब बोले थे कि भाई वीडियो बिना सुपर बाइक का मजा नहीं आ रहा है, तो इसलिए मेरे को उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट 3 महीने पहले हमने अपना BMW S1000R को सेल कर दिया था। सेल क्यों किया था गाइस आप लोगों को पता है, हमने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था जहां पे मुझे घर बनाने के लिए पैसा शॉर्ट रहा। तो BMW S1000R का भाई 20-25 लाख रुपए दाम है, तो मैंने उस गाड़ी को सेल कर दिया और वहां से जो पैसा था ना वो कैपिटल निकाल के मैंने ना घर में लगा दिया कि हाँ अपना भाई का एज हो गया 27 एंड स्टिल कोलकाता में रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ। मेरा मतलब 27 साल का जर्नी। अब जो लोग मेरा यूट्यूब से देखते हो आप लोगों को पता होगा भाड़े का घर ना जो लोग रहते ना वो लोग समझोगे, महीना का 5-10 तारीख होते थे ना भाई दरवाजे पे नॉक होने लगता है कि पैसा पैसा पैसा। और अपना घर में भाई टूटा ताली का भी घर हो ना भाई लेकिन शांति से आदमी रह सकता है। 26 लाख था ना भाई वो मैंने पूरा पापा को दे दिया कि भाई एक अच्छा ड्रीम हाउस हम लोग का बन सके। आप लोग भी बनते हुए देखोगे एंड इस चीज को विटनेस करोगे। कमाई का जरिया ही चला गया ना तो भाई मैं देख रहा हूँ आप लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मैं बुलेट पे वीडियोज बना रहा था तो वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैंने आप लोग पूजा अभी आ रहा है तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पूजा से पहले एक सुपर बाइक ले लिया जाए, जिसकी वजह से भाई मैंने थोड़ा सा पैसा साइड करके रखा था। भाई देख लो ऐसा वैसा दिखा के शो ऑफ करता नहीं हूं लेकिन मैं अभी जा रहा हूं अपना गाड़ी का डिलीवरी लेने के लिए, तो इसीलिए मैं अभी पूरा कैश ले रहा हूं। बाद बाकी हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और भाई टोकन अमाउंट तो पहले मैं कर दिया था 2 दिन पहले ही जाके। भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश हूं। थैंक यू सो मच आप लोग इतना सपोर्ट प्यार बनाने के लिए कि मतलब क्या बोलूं यार। अभी ज्यादा बात नहीं करता हूँ, सीधा अभी पैसा बैग में रखता हूँ और सीधा निकलता हूँ। अभी मैं आ गया एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं जॉयस बाइक पॉइंट गाइस। थैंक यू। सो भाई जा भाई कुछ भी रेडी नहीं है गाइस। कौन सा गाड़ी हम लोग लेने वाले हैं आज? 10:30 बज गया फिर भी मिलेगा नहीं क्या आज? इतना प्रेशर था और तुम इतना छुपे छुपाए शटर बंद करके डिलीवरी ले रहे हो बिना बोल के। सरप्राइज दे रहे हम लोगों को, पूजा स्पेशल। चलो हो गया कैसा सीन है चलो। जब हमने ना अपना किस्मत को देख ही गया था यहाँ पे, मैंने बोला था कि ये गाड़ी और या फिर इसके जैसा गाड़ी आएगा ना मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोग सबसे कि मैं जरूर से वापस से लेके आऊंगा। एंड मैंने भाई जो प्रॉमिस किया था ना वो मैं रखा हूँ गाइस। एंड हियर इज अवर किस्मत 2.0 हम लोग का। एंड अभी ना टाइम है, इतना रात हो गया ना, वह गाड़ी यहाँ से लोड कराएंगे एंड उसके बाद ना भाई हम लोग पापा को दिखाएंगे इस गाड़ी को डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे हम लोग का घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना वहीं पे गाड़ी को मैं ये करूँगा। BM एक अलग गाड़ी है लेकिन इस गाड़ी से जो इमोशन है ना वो मतलब क्या बोलूँ यार, अलग ही लेवल का। मतलब इसका साउंड ये मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं है भाई। ठीक है,
का ना भाई बात ही अलग है। सो हे गाइस, गुड वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी सुबह सुबह हमारा गाड़ी बस पहुँचने वाला है एंड हमारा बाइक ना हमारे न्यू घर के यहीं पे आ रहा है, क्योंकि वो उस जगह पे ना भाई गाड़ी उतारने से लेके सब कुछ में सब लोगों को दिक्कत होने लगता था। पता नहीं क्या जेलेसी है, क्या एंजाइटी उन लोगों में काम करता था भाई, गाड़ी हटाओ जैम लग जा रहा है, ये लग जा रहा है, वो लग जा रहा है। 3-2 महीने के अंदर रोड भी हो जाएगा तो ओ भाई को देखो भाई, जमीन का खुदाई भी चालू हो गया। क्या काम शुरू भी हो गया, बताया भी नहीं। सुबह तो उठा के लेके आएगा। तो ये बीएमबीसी क्या हुआ ना कि बहुत सारा जो कैश आया ना हमारे पास, वो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया ताकि घर बन सके। और थोड़ा पैसा मैं उधर से, और मेरे पास थोड़ा पैसा सेविंग्स था, वो मिला के मैंने एक बाइक ले लिया भाई। तो ये डिसीजन मेरे राइट था कि नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग ही बताओगे। आप लोग पार्किंग अपना एकदम मस्त सा ये वाला जगह में, उधर भी पूरा जगह खाली है, बहुत बड़ा स्पेस है। नहीं अलावा क्योंकि मैंने बहुत सारा स्पेस, मतलब एक कट्टा जमीन तो पूरा छोड़ ही दिया जहाँ पर आप लोग ईटा वीटा देख रहे हो। तो भाई डबल खुशी एक ही दिन में मिल रहा है। फाइनली भाई आ गया अपना गाड़ी, यहाँ से राइट एकदम लास्ट में। ओ भाई साहब फाइनली आ गया गाइस। भाई रॉयल एनफील्ड में धाक के आया, लेकिन रॉयल एनफील्ड है नहीं। ओ भाई कड़क कड़क, एक बार पीछे से, एक नंबर भाई, बस बस। सब काम कर रहा है पापा, हॉर्न मार के चेक कर रहे हैं काम कर रहा है कि नहीं भाई। ठीक है बस बंद कर दीजिए, पापा को फुल मजा आ गया। हाँ मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं लाइफ में जिसकी वजह से ना यार डाउनफॉल होता है, अपफॉल होता है। मैंने ट्राई किया था, मेरा 1000 सपना था, लेकिन भाई सोते जागते ना मैं 1000 लेके भी ना भाई सपने में यही गाड़ी को मैं चलाते देखता था, मुझे ऐसा फील होता था। ये ना एक बहुत ही सॉफ्ट अडेट है, मेरा फर्स्ट सुपर बाइक है। एंड ये जो कल्याणी हाईवे जहाँ पे मैं घर बना रहा हूँ ना भाई, ये देखो भाई इसका रोड दिखा देता हूँ आपको। सोचो इस रोड पे मैं जो बाइक लेके उठूंगा भाई, क्या मजा आएगा यार। तो चाहे आपकी लाइफ में कितना भी अच्छा जाए, आप जो अपना प्यारा प्यार हो ना उसको कभी आप भूल नहीं सकते, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है यार। और मैं सिर्फ अपग्रेड इसीलिए किया था, पता है क्यों लाइफ में, ताकि सब मोटो ब्लॉगर्स लोग कर रहे थे एंड मैं ना एक ही जगह स्टक हो गया था। मैं सोचा था लेकिन यार क्या बोलूं, मतलब बहुत बड़ा गलती हुआ मुझसे। जो भी हम मिडिल क्लास बॉय लोग का ना गाइस यही दिक्कत है कि हम लोग ना अपना फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे ना, अपने सपने को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ऊपर वाला भी देखता है कि हाँ बंदा ये क्यों सैक्रिफाई कर रहा है एंड इसको उसको वापस से उसको प्यार चीज को दिला देता है। साउंड है ना गाड़ी इसका भाई इनलाइन 3 का, और इसके ज्यादा साउंड जो भाई किसी भी गाड़ी में नहीं आता है, मतलब H2 और इसका साउंड ना बहुत हद तक मतलब सिमिलर है। कैसे मैं दिखाता हूँ, लोग सुनाता हूँ, देखो भाई बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। फिलहाल घर बन जाए, घर में आराम से इसको रखूंगा और फिर एक अच्छा और एक लीडर क्लास बाइक, आप लोग बोलोगे तो एक 1000 cc पे भी हम लोग अपग्रेड करेंगे, ठीक है। इसको रख इस बार
पक्का सोचो मैं इसको रख के अपग्रेड करूंगा। उतना प्यार सपोर्ट आप लोग बरकरार रखो, अच्छे व्यूज आए चैनल पे, अच्छा ये रहो। और मैं भी प्रॉब्लम तगड़ा वाला ब्लॉग सब ना भाई आने वाला है। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि चैनल लेके भी खतरनाक पूजा वाला ब्लॉग सब आने वाला। प्यार अलग जगह, पैसा एक अलग जगह, लेकिन पैसा नहीं रहने से ना आपका प्यार भी आपको छोड़ के जाना पड़ता है या फिर उसको दे देना पड़ता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो घूम के आ जाए वही आपका सच्चा प्यार है, समझे ना बात। अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो वो आपको पता चला जाए या आप छोड़ दो उसको, अगर वो चला जा रहा है इजली तो वो आपका प्यार नहीं है। अगर वो घूम के आ रहा है ना भाई तो वही आपका प्यार है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाना चाहता। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में भाई, सब्सक्राइब कर लेना, पूजा व्लॉग्स आ रहे हैं गाइस, सो स्टे ट्यून्ड।